वेलकम जी के बट देखिए ये जो वीडियो है ये आपका है पर्यावरण अध्ययन से, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये आजकल इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो मैंने इसमें बेस्ट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे, और स्पेशल फॉर ये जो यूपी टीचर का जो पेपर होना है उसके लिए तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ओजोन छिद्र का सबसे पहले पता चला, याद रखिएगा कि ओजोन छिद्र का सबसे पहले पता चला था ये आपका चला था अंटार्कटिका क्षेत्र में। पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, याद रखिएगा पारिस्थितिकी विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है, वातावरण। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल स्थित है, याद रखिएगा पहली बात समझ लीजिए कि तप्त स्थल होते क्या, यानी ऐसे स्थान जिस पर आज तक मानवीय आबादी ना पहुंची हो और वो बिल्कुल मानव रहित मतलब स्थान है, तो ऐसे स्थानों को बोलते हैं तप्त स्थल। यानी यहाँ की जो जैव विविधता है वो काफ़ी प्राचीन और काफ़ी अलग है, तो ऐसे स्थान जो भारत में है वो आपके हैं क्या, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वो कौन सी गैस थी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, याद रखिएगा तो मिथाइल आइसोसाइनेट। धूल के प्रदूषण को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष है, तो याद रखिएगा जो सीता अशोक होता है ये धूल के प्रदूषण को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष है। किन देशों में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, तो कनाडा एवं नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है, तो याद रखिएगा जो अम्लीय वर्षा होती है उसके लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी गैस है वो है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, याद रखिएगा जैव विविधता मतलब क्या होता है कि एक ही स्थान पर अलग अलग प्रजातियों का पाया जाने वाला, तो चाहे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है सांध घाटी में। पृथ्वी पर सर्वाधिक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, तो याद रखिएगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। रुधिर के शुद्ध एवं अशुद्ध होने का प्रमुख कारण है, तो याद रखिएगा रुधिर में उपस्थित कार्बन व ऑक्सीजन की प्रतिशतता, यानी कितनी कार्बन है और कितनी ऑक्सीजन है, यही बताता है रुधिर की शुद्धता और अशुद्धता। क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी याद रखिएगा क्लाइमेट शब्द की किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। भारत में सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये बना जिम कार्बेट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैगनी किरणों से मनुष्य में होने वाला रोग है, तो याद रखिएगा इनसे क्या होता है, त्वचा व आँख का कैंसर। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कई बार पूछा होता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ, तो यह हुआ था 1989 में। ग्रीन मफलर्स संबंधित है, तो ये जो वर्ड है संबंधित है आपका ध्वनि प्रदूषण से। नीरी स्थित है, तो नीरी कहाँ स्थित है, ये है स्थित है नागपुर में। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, तो ये होती है रेड डाटा बुक में, ये एक ऐसी बुक है जिसमें जो जाति विलुप्त होने वाली होती है या उन्हें रखा जाता है या जो फिर संकटग्रस्त हैं उन्हें रखा जाता है, तो ये मतलब एक आंकड़े वाली बुक है जिसमें एक आंकड़ा रखा जाता है कि कौन से जानवर संकटग्रस्त हैं और कौन से विलुप्त होने वाले हैं, किनको संरक्षण चाहिए, तो ये एक बुक का नाम है रेड डाटा बुक। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को। पेरियर गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जो पेरियर गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली हाथियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की, तो याद रखिएगा KM मुंशी ने की थी। चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था आपका उत्तराखंड के चमोली जिले से। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है याद रखिएगा। किस प्रकार की कृषि पर्यावरण के लिए सर्वाधिक अनुकूल है, तो याद रखिएगा जैविक कृषि जो है पर्यावरण के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है। बखीरा पच्ची विहार कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के बस्ती में स्थित है। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा पर्यावरण परिचर्चा के लिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, तो ये है आपका देहरादून में स्थित है। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु उपयुक्त होता है, तो याद रखिएगा जीवाश्म, जीवाश्म जो होते हैं उनके लिए कार्बन डेटिंग की
की जाती है। इससे क्या किया जाता है कि मतलब कौन सा जो प्रोडक्ट भी मिलता है, जैसे पुरानी हड्डियाँ हो गई, पेड़ों के अवशेष हो गए, तो उनकी आयु पता की जाती है कि कितने साल ये पुराना है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किस तत्व की प्रमुख उपयोगिता, यानी जब फल पकते हैं तो उन्हें क्या सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, वो चाहिए होता है फॉस्फोरस। बायोगैस में किस गैस की प्रधानता होती है, तो याद रखिएगा मीथेन। श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से होता है, तो याद रखिएगा दूध उत्पादन से। वर्षा पर आधारित प्रमुख फसल है, तो याद रखिएगा बाजरा जो है वो क्या है, वर्षा पर आधारित प्रमुख फसल है। भारत का कौन सा राज्य तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो याद रखिएगा राजस्थान। भारत के किस राज्य में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये होता है आपका आंध्र प्रदेश में। मसालों का घर किस देश को कहते हैं, तो याद रखिएगा सर्वाधिक मसाले भारत में होते हैं। अदरक उत्पादन में भारत का स्थान है विश्व में, तो वह है प्रथम। जया क्या रखेगा, जया पद्मा कृष्णा किसकी उन्नत किस्में हैं, तो ये आपकी धान की किस्में हैं। कौन सा भारतीय राज्य रबर के उत्पादन में प्रथम है, तो ये आपका केरल। किस राज्य में सर्वाधिक इलायची पाई जाती है, तो ये भी कहाँ पर, केरल में। कौन सा भारतीय राज्य नारियल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो याद रखिएगा नारियल सर्वाधिक होते हैं कर्नाटक में। काला सोना किस भारतीय फसल को कहते हैं, तो कहते हैं काली मिर्च को कहते हैं काला सोना। नागालैंड के पर्वत क्षेत्र बंजर होने का प्रमुख कारण है, तो झूम खेती। देश का सर्वाधिक अनाज उत्पन्न पंद्रह राज्य है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सर्वाधिक अनाज उत्पन्न होते हैं। भारतीय कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा किसके उत्पादन में, उत्पादन के लिए। विश्व के प्रमुख पांच चाय उत्पादक देश हैं, तो याद रखिएगा विश्व में सबसे ज़्यादा जो चाय उगाता है वो होता है भारत है, सॉरी चीन है, उसके बाद आपका भारत, फिर केन्या, श्रीलंका और तुर्की, यानी सर्वाधिक जहाँ चाय होती है वो है आपका चीन, भारत में दूसरे स्थान पर है। भारत के पांच प्रमुख चाय उत्पादक राज्य, तो याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक चाय होती है असम में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर तमिलनाडु में, केरल और फिर त्रिपुरा में। कौन सी फसलें प्रत्यारोपण से लगाई जाती हैं, तो प्याज एवं धान, यानी इन्हें दोबारा उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगाया जाता है। पर्यावरण अनुकूलता उपभोक्ता उत्पादक को चिन्हित किया जाता है, तो ये किया जाता है इको मार्क से। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखिएगा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास से। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, तो ये आपका है महाराष्ट्र। भारत एक धनी देश है किंतु इसके निवासी निर्धन, यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा डॉक्टर वीरा एनसेंट का। कौन सा भारतीय बंदरगाह सबसे बड़ा है, तो मुंबई का बंदरगाह सबसे बड़ा है। खनिजों का जुड़वा खनिज, याद रखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, खनिजों को जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो सीसा व जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। भारतीय राज्यों में मुख्यतः तालाबों से सिंचाई की जाती है, तो याद रखिएगा कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो सिंचाई की जाती है तालाबों से की जाती है। कौन सा पर्वतीय क्षेत्र भारत में सर्वाधिक प्राचीन है, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत क्षेत्र, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। पशुधन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो यह रखेगा सर्वश्रेष्ठ, यानी प्रथम स्थान रखता है पशुधन की दृष्टि से भारत। भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो यह रखेगा दामोदर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस गांव में होती है, तो यह रखेगा जो मैनसेराम है गांव, ये कहां पर, भारत में, यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। रात्रि के समय अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रकाशमान ग्रह है, तो यह रखेगा शुक्र जो है रात्रि के समय सबसे ज़्यादा प्रकाशमान रहता है। और बृहस्पति ग्रह पर चंद्रमाओं की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 63 मून है आपके बृहस्पति ग्रह पर। चाय में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा होता है, तो ये होता है आपका टैनिक अम्ल। शरीर में विटामिन सी का प्रमुख कार्य है, तो याद रखिएगा हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। शरीर में अधिक तनाव से उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा उच्च रक्तचाप। शरीर के लाल होने का प्रमुख कारण है, तो याद रखिएगा सॉरी थोड़ा सी रुधिर के लाल होने का प्रमुख कारण क्या है, वो है हीमोग्लोबिन। भारतीय सर्प उद्यान स्थित है, याद रखिएगा चेन्नई में। पहले विलुप्त होने वाला पक्षी था, याद रखिएगा सबसे पहले जो पक्षी विलुप्त हुआ तो वो मॉरिशस का डोडो पक्षी था। कीट बची पादप उगते हैं, तो याद रखिएगा जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी ये उस भूमि पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और अपनी नाइट्रोजन
की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र स्थित तो यरकेक बहराइच जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है कवकों से। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एथाइलिन, एथाइलिन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जा काम लाया जाता है। लवड़ी तथा क्षारीय मृदा में प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली फसल है, तो याद रखिएगा जो लवड़ी और क्षारीय मृदा में उगती है फसल वो क्या है, आंवला एवं अमरूद। देखिए कुछ है आपका कृषि की प्रमुख प्रजाति क्रांतियाँ उनसे संबंधित, याद रखिएगा तो हरित क्रांति का उत्पादन किससे, अनाज उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। पीली क्रांति का उत्पादन तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति का जो संबंध है मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। सिल्वर क्रांति का जो संबंध है वो आपका अंडे उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था, तो याद रखिएगा पांडिचेरी में। और अति गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, याद रखिएगा आपका लखनऊ में। भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। देखिए प्रमुख मिट्टियाँ और उसमें उगाई जाने वाली फसलें, तो याद रखिएगा जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें उगाई जाती है धान, गेहूँ, गन्ना, आलू और दलहन एवं तिलहन। काली मिट्टी मूंगफली, कपास और मक्का उगाया जाता है और ज्वार। लाल मिट्टी में तंबाकू, गेहूँ, मक्का और ज्वार। लैटराइट में चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू, सिंकोना। पर्वतीय मिट्टी में सेब एवं नाशपाती। और मरुस्थली में क्या उगाए जाते हैं आपके, ये आपके सरसों व बाजरा। देखिए भारत की कुछ प्रमुख कृषि प्रणालियाँ, देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपसे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए झूम खेती कहाँ होती है, ये आपकी होती है नागालैंड में। और पूनम खेती कहाँ होती है, आपकी केरल में। वीरा खेती होती है आपकी मध्य प्रदेश में। दहिया जो खेती की प्रणाली है ये होती है आपकी भी मध्य प्रदेश की है। खील भी है क्या, हिमाचल प्रदेश की। कुमारी है ये आपकी पश्चिमी घाट की। और बलरा है आपकी राजस्थान की। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अपने चैनल पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। थैंक यू।